लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस किया था कि मिक्सर को हम सेपरेट कर सकते हैं और उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फिल्ट्रेशन, फिर इसके बाद हम लोगों ने डिस्टिलेशन डिस्कस किया था। नाउ हेयर वी विल डिस्कस अबाउट सब्लिमेशन। सॉलिड इज चेंज इनटू गैस विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है, व्हाट इज सब्लिमेशन? सॉलिड जो है वो चेंज हो जाएगा गैसीय स्टेट में लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर इफ वन कॉम्पोनेंट हैज अ प्रॉपर्टी टू सब्लाइम। अब ये प्रोसेस कब होगा कि जब आपके पास मिक्सर के जो टू कॉम्पोनेंट्स हैं उनमें से एक कॉम्पोनेंट के पास क्या प्रॉपर्टी हो कि वो सब्लाइम हो सके, मतलब कि वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड नेफ्थलीन हैव प्रॉपर्टी टू सब्लाइम। अब यहाँ पर कुछ आपको जो है वो मटीरियल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ सब्सटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये सब्लाइम हो सकते हैं। इनमें क्या है, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर जिसे आप काफूर भी कहते हो एंड नेफ्थलीन जिसे आप मॉथ्स बॉल भी कहते हो, फिनाइल बॉल्स भी होती हैं, ठीक है, जो घरों में कबर्ड्स में रखी जाती हैव अ प्रॉपर्टी टू सब्लाइम। अब अगर आप पिक्चर में देखो तो पिक्चर में आपको एक अप्रेटस दिखाया गया है जिसमें ये शो करवाया गया है कि सब्लिमेशन का प्रोसेस होता कैसे है। हम क्या करते हैं कि हम एक मिक्सर लेंगे, किस चीज़ का, अमोनियम क्लोराइड का और सैंड का। अब अगर हम अमोनियम क्लोराइड और सैंड के मिक्सर को देखें तो अमोनियम क्लोराइड के पास प्रॉपर्टी है ना कि वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। इस मिक्सर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। किस में हीट करेंगे, चाइना डिश में डाल के इसको हम हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये वाइट पाउडर की फॉर्म में इस ग्लास फनल की जो ऊपर वाली सरफेस है इस पर आ जाएगी। ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर और यहाँ पर पाउडर फॉर्म में क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अब ये सेपरेट हो गई ना, तो नीचे क्या रह गया, सैंड। तो इस तरह से हमने क्या चीज़ सेपरेट कर ली, अमोनियम क्लोराइड को। और अमोनियम क्लोराइड के पास क्या प्रॉपर्टी थी, अमोनियम क्लोराइड के पास ये प्रॉपर्टी थी कि वो सब्लाइम हो सकता था, वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो सकता था, गैसीय स्टेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्रोम का वर्ड अगर आप जहां पर भी देखें ये वर्ड यूज होता है फॉर कलर, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स। अगर हमने मिक्सर में कलर्ड केमिकल्स को सेपरेट करना है तो हम जो मेथड यूज करेंगे वो क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ये कैसे वर्क करती है, इट वर्क्स बिकॉज सम कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर आर मोर सॉल्युबल देन अदर। मिक्सर के कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं और कुछ कम सॉल्युबल होते हैं। क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स द डिफरेंट डाइज इन इंक, ठीक है। अब हम अगर हम इंक की बात करें तो इसमें भी आपके पास कलर्ड कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। पिक्चर में देखो आपको दिखाई दे रहा है कि ये डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कलर्ड कॉम्पोनेंट्स है ना, ये किसी डाई में से उसके डिफरेंट कलर्ड कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट किया गया, लेकिन यहाँ पर मेथड कौन सा यूज हुआ है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आई होप सो कि आपको डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सर समझ आ गई। थैंक यू।